हेलो हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड लेक्चर में हम, मतलब लास्ट लेक्चर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड में, इस लेक्चर में हम देखेंगे पर्टिकुलर फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और इसका एक ब्रीफ डिस्कशन, मतलब एकदम शॉर्टकट में डिस्कशन कि क्या कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखेंगे, उसमें भी चार लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जैसे फंडामेंटल फोर्सेस चार है वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी चार है हमारे सिलेबस में एटलीस्ट, तो मतलब क्लासिकल फिजिक्स में जो कि हमें 11 12th में पढ़ना है, तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज ये फिजिक वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा, और फिर हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो चलो शुरू करते। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस। अब फंडामेंटल फोर्सेस जो है, फोर्स की आपको डेफिनेशन सिंपल पता है, फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कोई बॉक्स है, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये फोर्स है, ये बॉक्स फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और मैं भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कैसे, मुझे भी खींचना पड़ रहा है, बराबर है ना? तो जैसे कि मुझे बॉल, जो बॉक्स है वो मुझे खींच रहा है और मैं बॉक्स को खींच रहा हूँ, लेकिन बॉक्स हल्का होने की वजह से मैं आसानी से उसको खींच सकता हूँ, बराबर है ना? लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी नीडेड टू पुश, पुश मतलब इसको धकेलना, या पुल या कैरी, और थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, और डिफॉर्म टुकड़े करने के लिए, या ब्रेक देम दो टुकड़े तीन टुकड़े, या डिफॉर्म मतलब छोटा छोटा करने के लिए, या चेंज करने के लिए, डिफॉर्म का मतलब चेंज इन शेप, शेप चेंज करने के लिए, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी लग रही है, पुश करने के लिए या पुल करने के लिए या कैरी करने के लिए, इधर से उधर रखने के लिए, या शेप चेंज करने के लिए, या ब्रेक करने के लिए, या इसको फेंकने के लिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है उसी को हम फोर्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन है, इसका मतलब फोर्स हम हर रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं ये ऐसा कर रहा हूँ मैं चीज़, तो इसको भी मैं हाथ को मेरे फोर्स लगा रहा हूँ, बराबर है? आप सुन रहे हो मुझे, इतने देर तक रुक रहे हो, पढ़ रहे हो, ये चीज़ समझ रहे हो, मुझे बियर कर रहे हो, बराबर है ना? तो इसका मतलब आप, कोई तो फोर्स है उसके वजह से आप बैठे हो, मेंटली स्ट्रेस, नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो ये फोर्स में नहीं है, ओके, इसको फोर्स नहीं बोलना है। तो फोर्स किसको, किस चीज़ को बोलना है? जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, बराबर है, उस चीज़ को हमें फोर्स बोलना है। ना तो आपका दिमाग थक गया है, थक गया तो सर मैंने कुछ काम किया होगा तो फिर वो फोर्स, अरे वैसा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एनीवे, तो जो भी इसको हम पुल कर रहे हैं, तो ये पुल इज नथिंग बट द फोर्स, पुल इज नथिंग बट द फोर्स। तो ये अच्छे से आपको इसकी फोर्स की डेफिनेशन समझोगे। तो फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स है, वेरियस सोर्सेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं। वेरियस सोर्सेस से मतलब कैसे, जैसे हवा चल रही है, ये एक अलग सोर्स हो गया, लाइट आ रही है, ये एक अलग सोर्स हो गया, बराबर है ना? या मोटर घूम रही है, तो इलेक्ट्रिक मोटर घूम रहा है, हमने उसको पकड़ लिया, फोर्स से पकड़ा, तो एक अलग फोर्स हो गया। तो ये वेरियस सोर्सेस है फोर्सेस के, तो उसी बेसिस पे हमने इसको चार इसमें डिवाइड किया है फोर्स। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और उसका थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरे दो साल वही पढ़ना है हमें, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए, ओके? तो ये आप डेफिनेशन लिख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्स इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। तो और वो फोर टाइप्स किस बेसिस पे, उनका सोर्स कहाँ से वो फोर्स आ रहे, उनका मेन कॉज क्या है वो फोर्सेस का, उसी इस पे हमने उसको चार ग्रुप में उसको डिवाइड किया। ये आप अच्छे से लिख लो। अब देखते हैं, देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसमें हम वन बाय वन इसको देखेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा हम कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम है, उसका हमें कंपैरिजन भी देखेंगे, राइट? तो मैं शुरुआत करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से। नाउ सी द ग्रेविटेशनल फोर्स,
क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, अगर मैं दो बॉडीज लेता हूँ जिसका मास है m1 और जिसका मास है m2, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स होता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस r2। इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है, कोई भी दो बॉडीज, ओके तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी अट्रैक्ट करी है, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसको मास चाहिए, अगर मास उसका जीरो है तो मास जीरो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं, किसी बॉडी का मास जीरो मतलब छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है। तो अच्छा, ये फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी दो बॉडीज ले लो, उन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। ऐसा कोई ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कोई ऐसा बॉडी नहीं जिसपे यूनिवर्सल, जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। उसके बाद है फोर्स एग्जिस्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। जरूरी थोड़ी ये दो पेन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है क्या? है, लेकिन इनका मास इतना कम है, इनका मास इतना कम है और ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है, तो उसके वजह से ये जो फोर्स है ये अल्टीमेटली वेरी लेस फोर्स हो जाता है। इट्स वेरी स्मॉल फोर्स ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल। ओके ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें। फॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड या टूवर्ड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ वेरियस प्लैनेट मार्स जुपिटर अर्थ मर्क्यूरी अराउंड द सन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स अगर देखा जाए ना तो बहुत वीक फोर्स है, बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम है। सर क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स अगर ये हो रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स घूम रहे हैं इतने बड़े बड़े प्लैनेट, तो फोर्स कम कैसे? और उनका मास भी तो देखो, मास कितना ज़्यादा है प्लैनेट का, तो फिर उस हिसाब से इन दोनों में भी ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए था, लेकिन नहीं है, फोर्स है लेकिन इतना छोटा फोर्स है क्योंकि इनका मास बहुत कम है और वैसे भी ये जीवी भी कम है। ये पूरा डिटेल हम ग्रेविटेशन चैप्टर इसके लिए अलग से हैं, उसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट फोर्स हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, तो नेक्स्ट फोर्स हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। Now we'll see the next force is electromagnetic force। नाम में ही electromagnetic मतलब electrical और magnetic का कुछ relation है, ठीक है। The force between two charge particles is electromagnetic force। मतलब अगर दो charge particle में लेता हूँ एक positive और negative, तो इसमें ऐसा force of attraction होगा, इसमें ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दिस इज अ Q1 एंड दिस इज अ Q2, वेयर Q1 एंड Q2 इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये हमें किसने बताया था फर्स्ट टाइम? कूलम्स ने, तो इसको कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है हमें, किस में पढ़ना है? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है हमें, है ना। तो दो अगर लाइक चार्जेस है, सेम निगेटिव चार्जेस है, तो इसमें हमेशा जो फोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए? रिपेल फोर्स होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? ऐसा रिपेल। ओके, अगर पॉजिटिव तो उधर भी कैसा होना चाहिए? रिपेल। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव मतलब हियर इज अ रिपल्सिव फोर्स, हियर इज अ रिपल्सिव फोर्स, बट अनलाइक चार्जेस आर देयर देन देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चार्ज इन मोशन, अगर यही चार्ज मोशन में, देखो मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में बाद में पढ़ना है हमें, अगर चार्ज मोशन में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही, अगर वही चार्ज मोशन में तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट तो सुना ही होगा आपने अच्छे से, बराबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगर देखा जाए तो कोई दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है, अगर मैं देखा जाऊँ तो कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ले लूँ, मैं एटम्स ले लूँ और उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ले लूँ, उसके बीच में जो फोर्स होता है वो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब
इसका जो मतलब ये स्ट्रक्चरल अगर मैं देखा जाए उसका देखना है मुझे अच्छे से, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियस की, मॉलिक्यूल्स की या न्यूक्लियस की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज 10^36 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बाप रे, कितने टाइम्स? 10^36, मतलब 10 पे कितने जीरो? 36 जीरो। अगर मैं 10 पे 36 जीरो, उतने टाइम ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन किसके साथ है? ग्रेविटेशनल। बोलेंगे सर इतना कम होता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? मैंने पहले बोला है जो जी वैल्यू होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कंपेरेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो कॉन्स्टेंट होता है के, दैट इज़ वेरी हाई कंपेरेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और ये होना भी चाहिए, हमारे लिए भी अच्छा है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो ये जो मेरा शरीर है ये कुछ ऐसा क्या बोलते हो उसको सुकड़ जाता या मैं अपने आप में दब जाता। कैसे सर, ऐसा क्या बोल रहे हो आप? अरे मान लो ये एक मास है और ये एक पूरा मास है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के मास दोनों दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता और ये ग्रेविटेशनल बहुत ज़्यादा होता इतना 10^36, तो ये मेरे जो मुंडी है ये मेरे शरीर पे फोर्स लगा तो यही दब जाते, अपने ही शरीर का वजन लेके मैं खुद दब जाता। समझ रहे हो? मतलब चीज़ें ऐसी है कि ये अच्छे से समझो चीज़ को कि सही में ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा जीना मुश्किल करता हो ग्रेविटेशनल फोर्स। एनीवे अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल में थोड़ा मोटा मोटा बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बात कर रहे हो सर? अभी बोल रहे हो कि 10^36 से और अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बढ़ गया? अच्छे से समझो इस स्टेटमेंट को, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़ी मोटी मोटी बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज क्यों क्यों? मैटर एज अ होल इज अ न्यूट्रल। कोई भी मैटर अगर देखूं मैं, कोई मैटर ले लूं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस सेम है, तो दोनों में फोर्सेस जो होगा मतलब पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से तो वो न्यूट्रल बॉडी हो गई ना, उसमें कौन से चार्जेस है फिर? देयर इज नो चार्ज, वो न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव साथ में रख दो तो वहाँ पे चार्ज होगा कह रहे? नहीं होगा। अगर वो चार्ज ही नहीं है, वो बॉडी ही चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगा? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो सकता है? मतलब उस बॉडी पे दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा लगा सकती है देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। सर क्यों हो गया जीरो? क्योंकि वो चार्ज बॉडी है ही नहीं है, वो तो मैटर एज अ होल न्यूट्रल बॉडी है, बराबर है। लेकिन गलती से वो चार्ज हो गए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर एक आधा और एग्जाम्पल दे दो। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लाइटनिंग ले लो। वॉट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग क्या होता है? देखो लाइटनिंग कितना खतरनाक फोर्स है। अगर ऊपर बादल है और कोई निगेटिव निगेटिव चार्ज हो गए या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला बादल हो गया, क्योंकि बादल पे चार्ज होते हैं उसमें भी मैटर होता है, वो एक एक साथ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर करके एक साइड हो जाते हैं, प्रोटॉन्स रिपेल कर करके पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाते, तो इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा झुंड बन जाता है, दैट इज अ क्लाउड। और नीचे जो अर्थ है तो अर्थ पे क्या होता है, कई पॉइंट पे चार्जेस कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और वो पूरे चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, और दैट डिस्चार्जिंग इन नथिंग बट द लाइटनिंग। तो इतना सारा फोर्स हो तो पूरा बर्बाद कर देगी वो स्पॉट, बराबर है, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तो ये अच्छे से हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग क्यों है। सर ये स्ट्रांग क्यों ये नहीं बताया आपने, स्ट्रांग है ये बताया, क्यों है ये नहीं बताया। सिंपल बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस में है? सर वो चार्जेस में, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस कहाँ होते? सर वो एटम्स, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा 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 ब्रेक करूँ तो एटम्स मिल जाएंगे मुझे, मतलब इतना ब्रेक करना पड़ेगा एटम्स के लिए कि बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा और तब एटम्स मिलेंगे। और एटम्स में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग करना है तो कितना सारा फोर्स लगेगा यार, इसको ब्रेक करने में तो आधा फोर्स चले गया, उससे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इट्स नॉट ईजी जॉब, ये ईजी जॉब नहीं है। मतलब इतना सारा वर्क डन, इतना सारा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तब जाके इतना सारा वर्क डन होगा, एनर्जी आपकी वेस्ट होगी और तब जाके आप दोनों अलग कर पाओगे। इसका मतलब उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो दोनों में है उसको सेपरेट करने में जो भी आप एनर्जी लगा ले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में तो काम कर रहे हो। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एनी अदर फोर्सेस। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझाइए, आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट थर्ड फोर्स है, थर्ड फोर्स है
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है बेसिकली? हमें पता है कोई भी एटम्स में न्यूक्लियस होता है, बराबर है। न्यूक्लियस में क्या होता है सर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। तो अब ये जो प्रोटॉन्स है तो बहुत पास पास में अगर देखा जाए तो दैट इज़ वेरी क्लोज, बिकॉज न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। तो ये जो प्रोटॉन्स है बींग अ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सेम चार्ज के होने की वजह से कुड रिपेल ईच अदर, वो अपने आप को दूर करना चाहेंगे, न्यूक्लियस में रुकना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत पास पास है और उसमें चार्ज भी है, बराबर है, और सेम चार्ज है। तो ऐसे केस में वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पे हो सकता है ना। तो हमने पाया कि ये तो एक्चुअली आपको सर, ये पहला जो फोर्स हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज के बीच में था, उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, ये लगभग वही है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर उससे बहुत कहीं ज़्यादा है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या लगभग 100 times ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस इज वेरी क्लोज, प्रोटॉन इज वेरी क्लोज। तो ऐसे को अलग ही नाम दे दिया हमने। तो ऐसे को नाम क्या दे दिया फिर? तो क्योंकि क्या है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसका मास होता है चार्ज का भी, प्रोटॉन का भी मास होता है। तो क्या उसमें ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। ग्रेविटेशन को मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। क्या उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? हाँ सर, उसमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, दैट इज 10^36 टाइम्स देन द ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ना के बराबर है, मतलब नहीं है, क्योंकि मास इज वेरी लेस और मैंने पहले बोला ग्रेविटेशन फोर्स ना के बराबर होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स है नहीं, बराबर है। तो ये जो दो प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस के बीच में तो वो अपने आप को बाहर ढकेल देंगे, रिपेल करेंगे, हालांकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उनको वापस ला सकता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं वहाँ पे, इतना कम है कि निग्लिजिबल है, और ये बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर इसके अलग एक कैटेगरी बनाए, क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स बोला, न्यूक्लियस से रिलेटेड है और सबसे स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी स्ट्रांग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जनरली 2 या 3 इसमें मतलब चार्जेस में होता है ना, वो पॉजिटिव और निगेटिव वो कहीं पर भी हो, लेकिन ये बहुत पास में होनी चाहिए, इसकी रेंज बहुत कम है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज निग्लिजिबल हियर कंपेयरिंग, मैं इसलिए ये लिखा के दे रहा हूँ ताकि आप, बहुत फास्ट बोलता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा होने के बाद ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, ताकि आपके पास कोई नोट्स लिखाने की जरूरत नहीं, मैं जो बोर्ड पे लिखा है वो स्टेप बाय स्टेप ही नोट्स के हिसाब से ही लिखा है, नहीं तो फिर मैं बहुत खिचड़ी करता हूँ, आप नोट्स कौन सी निकाले उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले समझो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज निग्लिजिबल कंपेयरिंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्स टू ओवरकम द रिपल्शन, मतलब वो जो रिपल्शन है न्यूक्लियस में का, ग्रेविटेशन फोर्स निग्लिजिबल होने की वजह से कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स टू ओवरकम रिपल्शन, तो वो उसको फूटना ही, और इस टाइप के मतलब जो जिससे वो न्यूक्लियस एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा न्यूक्लियस का, उस टाइप के फोर्स को मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फोर्स, और दैट इज अ स्ट्रांग। ओके, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगभग 10^38 times द ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, बड़े देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इतना वो ज्यादा है, यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन लिखना चाहिए था, ऐसा लिखता हूँ। ओके, तो ये समझ जाना आपने, तो 10^38 इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने ज्यादा है? 100 times, क्योंकि वो कितना था ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा? 10^36 times। ओके, तो ये अच्छे से समझ आए। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? सर, रेंज बहुत पास में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स ही नहीं है, फिर वो न्यूक्लियर थोड़ी है, फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसकी रेंज क्या है? 10^-15 meters। समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है कि कोई न्यूक्लियस है उसके अंदर के फोर्स को सर न्यूक्लियर फोर्स बोल दो, सर वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोल दो, इसमें क्या गलत क्या है यार इसमें, बस है ना, क्योंकि ये अलग थोड़ी सी कैटेगरी लगे हमने इसको, अलग नेचर, अलग थोड़ा सा ये दे दिया नाम। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एक्सपीरियंस करते? तो बिल्कुल नहीं, डू नॉट एक्सपीरियंस द न्यूक्लियर फोर्स, मैंने पहले ही बोला कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, वो तो बाहर होते हैं ना, ऑर्बिट लगा रहे, चक्कर लगा रहे होते हैं,
क्या समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड फोर्स है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर ही वो फोर्स रहेगा, बराबर? कोई डाउट है इसमें? अच्छे समझा सर, ये न्यूट्रॉन में है क्या? यार न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं ना, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है ना, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो रिपेल ना करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये आप अच्छे से स्क्रीन पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट इज फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है बेसिकली? अगेन अगर न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होगा। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने से कोई पार्टिकल्स इमिट्स करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, तो दैट इज अ इन दिस केस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव प्रोसेस बीटा पार्टिकल्स, मतलब बीटा डीके इज देयर, मतलब बीटा पार्टिकल्स इमिट्स। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, न्यूक्लियस से क्या इमिट होता है एक्चुअल में? बीटा डीके का मतलब ये हुआ कि बीटा पार्टिकल से क्या इमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन्स एंड सम अनचार्ज पार्टिकल। ये अब थोड़ा नया है, क्योंकि कोई अनचार्ज पार्टिकल रिलीज हुआ, इमिट्स हुआ, मतलब वो ये सबको मिला के मैं बीटा डीके बोल रहा हूँ। ओके, ये किस में हो रहा है? रेडियो एक्टिव प्रोसेस में। तो इसको अनचार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। सर एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो इज अनचार्ज पार्टिकल। इसका रेस्ट पे जीरो मास है, मास ही नहीं इसको, अगर ये रखा है ऐसा रेस्ट पे तो जीरो मास है। सर आप रेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मूविंग में मास चेंज होता है, वो बाद की बात है। ओके, बाद में देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेस्ट पे कोई मास नहीं है, इस पे चार्ज भी नहीं है, अनचार्ज पार्टिकल। ये कहाँ से आए? जब बीटा डीके हुआ, मतलब न्यूक्लियस से कुछ बाहर चीज़ आई तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आया, मतलब उस वहाँ से डीके जब हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ और उसके साथ साथ क्या आया? कोई अनचार्ज पार्टिकल आया और उस अनचार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसे ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया जब बीटा निगेटिव डीके, जब पॉजिटिव डीके है इस टाइप का है बीटा पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस इमिट्स पॉजिट्रॉन प्लस अनचार्ज पार्टिकल। अब इस पॉजिट्रॉन के साथ अनचार्ज पार्टिकल को बोलेंगे हम न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे न्यूट्रिनो, बस दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है सर, हमें ये बाकी का मत बताइए, वीक न्यूक्लियर फोर्स बताइए क्या है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली यही है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, दैट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन एलिमेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मतलब ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं ना, फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक बीटा डीके इन्वॉल्व इन रेडियो एक्टिविटी, उनके बीच में जो भी फोर्स होगा, देखो न्यूक्लियस से बाहर निकले वो बीटा पार्टिकल, तो उसमें जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये कौन से प्रोसेस में? रेडियो एक्टिविटी। जब भी ऐसे में कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले और उसमें जो भी फोर्स होगा बहुत वीक होगा, वो ग्रेविटेशन इतना भी नहीं, हालांकि वो भी चार्ज है यार, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाई न्यूक्लियर ही लेकिन वीक है, स्ट्रांग नहीं उतना जितना वो पहला। तो कितना वीक है ये? तो ये है 10^25 टाइम्स, मतलब देखो ज्यादा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना ज्यादा, 10^25 टाइम्स। समझ में आई? कोई डाउट है? वो कितना ज्यादा है? 10^38 टाइम्स, सबसे स्ट्रांग है वो फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। वीक कितना? 10^25 टाइम्स ज्यादा। अच्छा इसकी रेंज कितनी है, कितने रेंज तक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में कितने रेंज होनी चाहिए, नहीं तो एक पार्टिकल उधर और एक पार्टिकल उधर, उसमें क्यों नहीं फोर्स, ऐसा नहीं। उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? 10^-16, मतलब एकदम पास पास, 10^-16 मीटर, इतने रेंज में ही वीक न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज वो अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, विच एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दोज आर इन्वॉल्व इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस। व्हाट इज़ अ रेडियो एक्टिव प्रोसेस? इमिशन ऑफ बीटा डीकेस और लाइक दैट अदर पार्टिकल्स, उसको रेडियो एक्टिविटी हम बोलते हैं। आप अच्छे से केमिस्ट्री और फिर मॉडर्न फिजिक्स में वगैरह पढ़ोगे, ठीक है? तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कार्बन डेटिंग वगैरह, दैट ऑल। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये अच्छे से लिख सकते हो। तो अब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं थोड़ा सा। तो शुरुआत में हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स,
यस और नो, ग्रेविटेशनल फोर्स उससे ज़्यादा। अभी जस्ट देखा हमने वीक वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच का फोर्स, बराबर है। उसके बाद में दो मास के, नहीं दो मास नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अगर देखा जाए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वन है तो ये 10^25 टाइम्स, ये 10^36 टाइम्स और ये 10^38 टाइम्स, इतना ज़्यादा है। तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा इससे, बराबर है। सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या हमेशा याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड, दो चार्ज के बीच का। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स किससे रिलेटेड है? जो बीटा पार्टिकल्स, बीटा डीके वगैरह रेडियो एक्टिव प्रोसेस में होता है उससे रिलेटेड है। अगेन दिस इज द न्यूक्लियस से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल फोर्स किससे रिलेटेड है? मास से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने अभी चारों फोर्स, दिस इज अ फंडामेंटल, क्योंकि इनके अलग अलग सोर्सेस है। अब बाकी बहुत सारे फोर्स होंगे जो कि इनके फॉर्म में ही होंगे, जो कि इनके फॉर्म में ही होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स में हमने बहुत सारे फिनोमिना स्टडी करना है या अंडरस्टैंडिंग उनकी बनाना है, नेचुरल फिनोमिना, ओके। अब हो क्या रहा है, कुछ नेचुरल फिनोमिना शुरुआत से लेकर अभी तक सेम है। फिजिक्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं कि जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, नेचुरल लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहे। जैसे ओजोन लेयर थी पहले, बराबर थी, मतलब अभी भी है, लेकिन वो ओजोन लेयर जो है सराउंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो गया है। नेचुरली तो प्रेजेंट थी, लेकिन अब टाइम के साथ उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गया। पहले नॉर्थ एंड साउथ पोल में बहुत सारा आइस था, अब उसकी लेवल भी कम हो रही है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसलिए सी लेवल बढ़ रही है, क्योंकि वो आइस मेल्ट हो रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्लियर दिस वाज द नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली प्रेजेंट, बट नाउ विद द टाइम दिस आर गोइंग डिक्रीजिंग और चेंजिंग, रादर देन इट इज अ चेंजिंग, ओके। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो बदली नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बदली नहीं है, ओके। तो उसी को हमने बोला है कि उसके हमने लॉ, मतलब इस लॉ की वजह से, मतलब उसको बोल दिया कि अगर ये बदली नहीं है ना तो ठीक है, दैट इज़ गुड थिंग, ओके। तो उसी का नाम दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, मतलब ये नेचर का कोई लॉ है जो कंजर्वेशन के नाम से हमने उसको बोल दिया कि भगवान ने इस चीज़ को चेंज करने से रोक दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये कंजर्व्ड है, कॉन्स्टेंट है, तो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो हमें चार पढ़ना है थ्रू आउट क्लासिकल फिजिक्स, मतलब ये जो फिजिक्स हम जो पढ़ेंगे 11-12 का, उसमें चार लॉज जो है वो डिटेल हमें पढ़ना है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कितने लॉज है? चार ही, वो अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा उसका, थोड़ा सा डिटेल नहीं लेकिन एक आइडिया आ जाएगी आपको, जो कि आपके ऑलरेडी आपने आपके 9-10 के सिलेबस में है, लेकिन ऊपर ऊपर से आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे 11-12 के सिलेबस में। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जो लॉज है उसमें एक चीज़ है, ये लॉज सब हाइपोथेटिकल है, मतलब ये आप उसको, मैं बोल सकता हूँ कि इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी प्रूव, हाँ इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेसिस पे लिए गए, हमने देखा चीज़, हमने पहले ही बोला था साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड दैट ऑल, तो इसको एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन बेसिस पे हमने इसको लिया है, इसको कहीं हमने इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख के देता हूँ। तो हमने अभी देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है,
तो इट इज ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी चेंज्ड बाय चेंज्ड विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो गए, कुछ तो क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो गए, बट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम, सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ टाइम एंड दिस इज कंजर्व्ड क्वांटिटी ऑफ नेचर, कंजर्व्ड क्वांटिटी ऑफ नेचर, इसी को कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट होता है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसी को हम बोलते हैं कि नेचर का ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि क्वांटिटी को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, कौन सा हाइपोथेसिस का मतलब क्या, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे वो बेस्ड है, ओके, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी प्रूव, बट वी कैन वेरीफाइड, हम उसको वेरीफाई कर सकते बाय एक्सपेरिमेंट्स, अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम उसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा से आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने हैं तो चार, ही आपने स्क्रीन पॉज करके लिख लेना चाहिए, आप तो स्क्रीन पॉज कर सकते हो, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर देखा जाए तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। फिर उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ये अच्छे से देखेंगे हम तीनों चारों जो भी हैं, और फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ओके, चार्जेस। तो दीज आर द फोर कंजर्वेशन लॉ, और ये फोर कंजर्वेशन लॉ हमें थ्रू आउट द मतलब ये क्लासिकल फिजिक्स के जो हमने मैक्रोस्कोपिक में देखा है, बराबर है, तो हमने थ्रू आउट हमारे 11th 12th सिलेबस में ये डिटेल में हमें इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करना है, या अभी भी नहीं समझे आपको तो 11th 12th में मतलब इस जो जैसा जैसा चैप्टर आगे बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा तो ये आपको अच्छे से डिटेल में आएंगे, तो ये आप लिख सकते हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बेसिकली, तो हमें अच्छे से हम जानते हैं 9th 10th में हमने देखा है कि एनर्जी जो होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी हम बना नहीं सकते और ना इसको ख़त्म कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम चेंज कर सकते इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है वो सब कांस्टेंट है, बस उसका यूज़ करके अगर उस एनर्जी का हम यूज चाहते हैं तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैन घूम रहा है, ओके, तो फैन जो घूम रहा है तो फैन को जो एनर्जी लगने वाली है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें रोटेट हो रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल थी, हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, थर्मल पावर स्टेशन से, तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या डालते हैं हम, कोयला डालते हैं, कोयला से एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इसका मतलब कोयला के जो फॉर्म में एनर्जी थी वो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप हमारी जो रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी थी घूमने वाली एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर दी, इसका मतलब थ्रू आउट यूनिवर्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में वो एनर्जी है, हमें उसको सिर्फ रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
उसको आप फॉर्म चेंज करना है। अब जैसे हमारे फिजिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ आपको कि मान लो ग्राउंड से कोई बॉल जो है मैं ऐसा थ्रो करता हूँ, ओके। अगर बॉल थ्रो कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी u, बराबर। इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है, ओके, ये बॉल ऊपर जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कम होते जाएगी और वो एनर्जी कन्वर्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट आ रही है, बराबर। एक टाइम ऐसा आएगा बॉल ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, एट दैट टाइम, क्योंकि वो अब नीचे आ रहा है, तो एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी एट हाइट पोटेंशियल एनर्जी में। अगेन फिर उसकी पोटेंशियल नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और फिर से उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में, मिडल में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी कहीं ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं कम होगी। तो मान लो ये काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, मान लो, तो जैसा मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, 90 जूल हो गई, तो 10 जूल किस में कन्वर्ट हो गए? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से ऊपर फेंक दिया और एकदम लास्ट में काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, बराबर। फिर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी? 100 जूल। ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सिर्फ वो इस फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसको ना डिस्ट्रॉय कर रहे ना नहीं बना रहे। जैसे मैंने ऊपर फेंका तो मेरे शरीर में जो एनर्जी थी मैंने उस बॉल में डाल दी, बराबर है ना, और जो एनर्जी थी वो बॉल के पास एज ए काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो बॉल ऊपर चले गए, बराबर। क्योंकि जिस भी बॉडी पे स्पीड होती है उसको काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो बॉडी रुकी होती है कुछ हाइट पे तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है। एकदम सिंपल सिंपल समझते हैं। और इसी टाइप में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स में एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, थ्रू आउट यूनिवर्स एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, एनर्जी इज कॉन्स्टेंट और कंजर्व, हम क्योंकि हमने कंजर्व वर्ड यूज किया है तो कंजर्व इन यूनिवर्स, यूनिवर्स टोटल एनर्जी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन यूनिवर्स, बराबर ना। तो इस प्रकार हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन एनर्जी पढ़ सकते हैं। इसको और डिटेल में, इसके एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारे हमें देखना है, काइनेमेटिक्स में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया, तो बाद में वो देखेंगे, आप ये लिख सकते हो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम शुरुआत में, ये हमारा कंसेप्ट था कि कोई भी मैटर जो है उसको हम डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आइंस्टाइन ने इसको थोड़ा सा और अदर फॉर्म में लिया, कि वो जो थ्योरी उन्होंने दी हमें, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ का जो रेस्ट मास होता है, कोई भी चीज़ का जो रेस्ट मास होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई भी बॉडी हैविंग सम मास मूव होती है तो उसका मास जो है वो चेंज हो सकता है, बराबर है। तो रेस्ट मास का जो कंसेप्ट है वो पहली बार हमें आइंस्टाइन के इसमें आया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? कि मास ओवरऑल चीज़ का कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ओवरऑल चीज़ का मास कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसको हम अदर फॉर्म में ये कर सकते। तो लेकिन इसका ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसके आगे का जो टॉपिक है, इसके आगे का जो लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो हमें बहुत अच्छे से करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली है क्या? मोमेंटम बेसिकली है क्या? मोमेंटम इज अ क्वांटाइज इफेक्ट ऑफ मोशन। क्वांटाइज इफेक्ट ऑफ मोशन का मतलब समझे, मान लो ये पेन का मास बहुत कम है, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे रख दिया, तो पेन का मास कम, आप क्या बोलेंगे? आपको लगा क्या ये चीज़? आपको मुझे ज़्यादा लगेगी क्या ये चीज़? ज़्यादा हर्ट होगा क्या? ज़्यादा पेन होगा क्या इस पेन की वजह से? तो नहीं। क्यों? आप बोलेंगे सर इसका वेट बहुत कम है। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको मार के फेंकता हूँ, वेट तो कम है इसका। नहीं सर, आप इसकी स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब दिस इज़, आप ऐसा लग रहा है कि इसका मास बहुत ज़्यादा है, बराबर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम इज़ अ क्वांटाइज्ड इफेक्ट ऑफ मोशन। मोशन का ये जो बॉडी में जो मोशन आएगा तो उसकी वजह से ऐसा लगेगा इसका मास बढ़ गया, लेकिन वैसा है क्या? नहीं। तो
ऐसे इफेक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम तो रहेगा ही, लेकिन जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा भी मोमेंटम रहेगा, बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो चीज़ें पढ़नी है हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़नी है, और न्यूटन ऑफ लॉज ऑफ मोशन से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने पहले बोला प्रूव नहीं करना, हमें वेरीफाई करना है इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेसिकली, तो लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि ये तब तक कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप इसको ना दो, जब तक आप इसको एक्सटर्नल फोर्स ना दो। अगर एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी दी आपने, वर्क डन किया, तो मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा ही, आप बोलेंगे नहीं सर आप अगर ऐसे जा रहे हो और ऐसे छोड़ दिया तो वेलोसिटी कम होती है, तो हम उसको अपोज कर रहे हैं। कौन अपोज कर रहे हैं, सराउंडिंग एयर अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहे हैं। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, वैक्यूम होता, तो जैसे ही हम इसको ऐसा फेंक देते तो ये चला ही जाता, क्योंकि इसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहना है इसको, बराबर है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये बहुत अच्छे से देखेंगे यार, यहाँ पे ऐसे कुछ ये थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए, इसलिए नहीं तो बहुत डिटेल जाना है हमें आगे काइनेमेटिक्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या सर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, तो यस एंगुलर मोमेंटम मतलब घूमने वाली चीज़ का मोमेंटम भी कांस्टेंट रह सकता है, अगर आप उसको बाहर से ये ना दो। तो सिंपल अगर मैं बात कहूँ कि मैं और एक लीनियर मोमेंटम की अगर बात कहूँ, तो मान लो बुलेट है। अब बुलेट में रेस्ट पे बुलेट है, गन है हमारे पास, उसमें बुलेट है और रेस्ट पे, तो मैं जब उसको फायर करूँगा तो ये रेस्ट पे ही रहेगी ना, लेकिन हमें पता है कि बुलेट बहुत फास्ट वेलोसिटी मूव करती है, इसका मतलब बुलेट की मास इनटू वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया बुलेट का। लेकिन तो इनिशियली बुलेट का, इनिशियली अगर ये बुलेट है ऐसी इस तरीके से कुछ, ऐसे कुछ बुलेट है, बराबर है। अब इसमें से अब अगर अभी इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो इनिशियल मोमेंट क्या हो गया इसका, इनिशियल मोमेंटम जो है पी आई बोलता हूँ मैं उसको, पी आई इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, बराबर। लेकिन जब बुलेट फायर होगी, जब बुलेट फायर होगी, अच्छे से समझो, जब बुलेट फायर होगी हाँ, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो बुलेट का छोटा सा मास कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसमें मोमेंटम आ गया, इसमें मोमेंटम आ गया, तो ये उस डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो बुलेट में भी मोमेंटम आना चाहिए कि उसकी इसको कैंसिल करना है। तो बुलेट थोड़ी सी हल्के से पीछे हो जाती है, बुलेट का बुलेट बोलता हूँ, ये क्या बोलते हैं, गन, गन हल्के से पीछे हो जाती है, तो गन का मास ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा भी वेलोसिटी दिया तो वो पीछे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो ये मोमेंटम और इसका फॉरवर्ड मोमेंटम और इसका बैकवर्ड मोमेंटम सेम हो जाता है और वो कैंसिल करता है, तो फिर फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाता है, इसका मतलब कंजर्वड हो गया मोमेंटम, बराबर। अगर एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूँ, तो एंगुलर मोमेंटम में अगर आपने देखा जाए, तो हमारे जो सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट सन के पास जाते हैं, जब प्लैनेट सन के पास जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत फास्ट घूमते हैं, इसका मतलब वो रेडियस कम हो गए, रेडियस कम हो गए तो उनको मोमेंटम जो है वहाँ पे बढ़ाना होता है, मतलब वो वहाँ पे बहुत फास्ट घूमते हैं एंगुलर मोमेंटम, बराबर है। तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहने के लिए उनको फास्ट घूमना पड़ता है। ये और ये अभी आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होंगे, जब इसके रिलेटेड टॉपिक चालू होगा, तब आपको ये और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट कंजर्वेशन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये बोलता है कि देखो, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। पहले चार्जेस की बात समझो कि चार्जेस होते क्या है। कोई भी मैटर बना होता है एटम्स से, एटम्स में न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एंड उनके अराउंड क्या घूमते हैं, अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लियस की बात करूँ, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बराबर है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है, तो दिस पर्टिकुलर मैटर
ये कौन सा मैटर जिसका ये पर्टिकुलर आइटम जिस मैटर का ये मैटर इज न्यूट्रली मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ओके तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. लेकिन अगर इस मैटर पे कोई चार्ज देना है तो हम ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस करते हैं. तो चार्ज्ड बॉडी क्या होगी, चार्ज्ड बॉडी क्या होगी, तो चार्ज बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते. ओके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो इक्वल नहीं होते. तो बॉडी है ये चार्ज्ड. ओके इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ज़्यादा निकाल दूँ तो दैट पर्टिकुलर बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उसमें चले गए तो दैट बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड. तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं. तो मैं बोल रहा हूँ कि चार्जेस मतलब क्या. अब देखो अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. ओके कितने चार्ज है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चार्जेस है इस पे. ओके तो दिस इज अ चार्ज बॉडी. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है. अब इसको अगर ये दूसरी कोई बॉडी में टच कर लूँ जो कि अनचार्ज थी तो क्या हो जाएगा. और फिर अगर दोनों का सेम डायमेंशन है, डायमेंशन दोनों का सेम है, और इसको फिर अलग करूँ मैं, इसको मैं फिर ऐसा अलग कर दूँ. ओके ऐसा मैं इसको अलग कर दूँ इस बॉडी को, तो ऐसा पता चलेगा अगर दोनों के सेम डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब सरफेस एरिया अगर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो पता चलता है कि इस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आ गए हैं. और इस पे हम देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यही बोलता है कि ये टोटल चार्जेस है 6, तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. लेकिन यहाँ पे डायमेंशन क्या चाहिए, सेम चाहिए. ओके साइज वगैरह वो सब कुछ सेम चाहिए, नहीं तो ये इसका डायमेंशन छोटा हो गया तो उतने चार्जेस वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होगी, उस टाइप का सोचो. तो डायमेंशन अगर सेम है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आर देयर, बिफोर एंड आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आर देयर. तो ये आपको अच्छे से समझना है. तो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड हो गया. अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर